जहाँ भी जाओ वहाँ पैसे 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 कैसे लिया, कुछ काम ही नहीं होता। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमको भिखारी बना के अहमदाबाद में भेजेंगे। मुसलमान भाई गुजराती सब लोग मिलजुल के हम रहते हैं, व्यापार सब साथ में ही करते हैं। वृद्ध है ना, इसकी वजह से वो धंधा पसंद करता है, हाँ नौकरी पसंद नहीं करता। तो अगर मोदी जी प्रधानमंत्री छोड़ते हैं, हटते हैं ऊपर से, वो प्रधानमंत्री छोड़ेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमको तो मोदी ही चाहिए, क्योंकि हम सारी रात घूम भी सकते हैं। मोदी के राज में सारे लड़के अच्छी तरह घूम सकती है। से अहमदाबाद से गुजरात से आए। आपको कैसा लगा प्रयागराज? हमें बहुत अच्छा लगा, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, दर्शन अच्छी तरह। पर इतनी कमी यहाँ पे कि हम जहाँ भी जाते वहाँ पे हमारे पैसे पैसे नहीं थे ना। कभी मंदिर में भी हम पूजा एक 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 जगह से करते, वो भी लाओ 100 रुपये, वहाँ जलाओ 100 रुपये, वहाँ जलाओ 200 रुपये, ऐसा करते हमें बहुत दुख लगता कि हमारे अहमदाबाद में कोई भी मंदिर में इस तरह पैसा नहीं लेते हैं। हम किसी को ऐसी इस तरह लूट, हमें हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे लूट होती है मंदिर की बाबत में। नहाने के ये नदी तो पवित्र है, नहीं तो कोई भी नहा सकते। नहाने के भी पैसे, नहाने के भी तो 30 रुपये लेते हैं हमारे पास, ऐसा तो नहीं होता ना। ये तो सबकी माँ है, सब नहा सकते हैं। अभी तक तो हम मैंने सुने हैं यहाँ नहाने का तो पैसा कहीं नहीं लगता है। हमारे पास मांगे रहे पैसे, कौन मांगा आप? वो तो हम कहाँ से आए, हम तो नए, हम तो किसी को पहचान नहीं सकते। वो आप लोग क्यों पैसा दे रहे हैं? तो हमारे पास मांगेगा तो हमको तो देना ही पड़ेगा। कोई मांग ले, आपको बोलना चाहिए कि गंगा जी तो तुम्हारी है नहीं, कि गंगा जी पे तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं, नहाना तो फ्री होता है, तो आपको इस पर बोलना चाहिए था। बोलते तो हम, वो लोग ऐसा बोलते कि हम यहाँ पे जो हम ये पैसे देते हैं ना उनको, तो हमका वहाँ से पगार होता है, ऐसा बोलते हैं। आप कभी भी जाइए, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, गंगा जी में नहाना कोई पैसा नहीं लगता। नहीं, हमारे पास वो लोग पैसे लेते हैं। अच्छा। यहाँ तो जहाँ भी जाओ वहाँ पैसे 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 कैसे लिया, कुछ काम ही नहीं होता। तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमको भिखारी बना के अहमदाबाद में भेजेंगे। अहमदाबाद में जो कौमी चल रहा था ना, गंदा कौमी, वो बंद हो गया। इसकी वजह से हम मोदी को बहुत पसंद करते हैं, हाँ बहुत पसंद करते हैं। अभी कौमी रमखान सब बंद हो गया, मुसलमान भाई गुजराती सब लोग मिलजुल के हम रहते हैं, व्यापार सब साथ में ही करते हैं। बिजनेस करना गुजरात में ज़्यादा पसंद करते हैं और हाँ, गुजरात समृद्ध है ना, इसकी वजह से वो धंधा पसंद करता है, हाँ नौकरी पसंद नहीं करता। अभी जो सरकारी नौकरी भी मिलती है, हमारे सोसाइटी में 5 लड़के को सरकारी नौकरी मिली रेलवे में, तो वो सरकारी नौकरी है ना वो करता है, लेकिन जो नहीं होता ना वो बिजनेस करता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ योगी जी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? योगी जी के बारे में या तो हम इतने कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा है, अभी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि योगी जी अच्छा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार होंगे भाजपा की तरफ से, आपको क्या लग रहा है, अच्छा होगा? नहीं, हमको तो मोदी चाहिए। मोदी जी के बाद, जब मोदी जी पूरा हो जाएंगे, बाद में हाँ हाँ, वो तो मोदी पूरा ही नहीं हो कभी। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मोदी साहब कभी पूरे ही नहीं हो, वो सालों के साल चले, ऐसा लगता है हमको। भाजपा में एक रूल है कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो अगर मोदी जी प्रधानमंत्री छोड़ते हैं, हटते हैं ऊपर से, वो प्रधानमंत्री छोड़ेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमको तो मोदी ही चाहिए, क्योंकि हम सारी रात घूम भी सकते हैं। मोदी के राज में सारे लड़के अच्छी तरह घूम सकती है, कोई भी डर नहीं लगता हमको। बहुत बहुत धन्यवाद।